प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के फाइनल ईयर के बच्चों के लिए बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, दैट नॉलेज है सोनोग्राफी। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एक्सप्लेन द सोनोग्राफी। ये शॉर्ट नोट के रूप में बार बार एग्जाम में आता रहता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो आज चलो देखते हैं सोनोग्राफी होती क्या है। सोनोग्राफी एक ऐसी मशीन है, मेडिकल अल्ट्रासाउंड इज आल्सो नॉन एज ए डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन्स। ये सोनोग्राफी मशीन्स की सहायता से हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक ट्रांसड्यूसर है, वहाँ से साउंड वेव्स को भेजा जाता है और साउंड वेव्स ट्रेवल करने के बाद में जब किसी ऑब्स्टिकल पे टकराती है तो वहाँ से इको साउंड वापस लौट के आती है और वो इको साउंड को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दे दी जाती है। वहाँ उसका एनालिसिस होता है कि साउंड कितनी देर में वहाँ पहुँची, कितने बड़े ऑब्स्टिकल से टकराई सेल से और वापस लौट के आई, कितना समय लगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन टू डायमेंशनल के रूप में हमें वहाँ पर मॉनिटर पर अवेलेबल हो जाती है। तो ये वो मशीन है, यहाँ पर अपन देखते हैं, ये अपने पास ट्रांसड्यूसर दिखाई दे रहा है आपके पास में। ये जेली है जो अपने पास जो है इम्पीडेंस को कम करती है, सिग्नल को प्रॉपर करती है। तो सबसे पहले हम जहाँ भी पेशेंट है उस पेशेंट के जहाँ हमें सोनोग्राफी करनी है तो वहाँ पर इस जेली को लगा देंगे और उसके बाद में ट्रांसड्यूसर की सहायता से यहाँ कंट्रोल नॉब से यहाँ पर अपन जो भी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स भेजी जा रही है वो 1 MHz से लेके 5 MHz के बीच में होती है और वो सारी सारी साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो उसका अपन एम्पलीट्यूड फिक्स कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हैं और वापस लौट कितनी देर में लौट के आ रही है, सारी कैलकुलेशंस अपन इजीली कर सकते हैं। तो चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं अपने पास में। फर्स्ट हमारे पास में अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासोनोग्राफी इज ए मेडिकल इमेज टेक्निक that use high frequency sound waves and their echoes. यहाँ पर बहुत important बात है, लिखा है high frequency sound waves and their echoes. बस इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास में जो भी sound waves आ रही है तो ये sound waves जो हमारे पास में high frequency sound है और their echoes लौट के आती है। इट इज़ यूज टू सी द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर सच एज ए टेंट्स, मस्कुलर जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन। कहाँ काम में आती है, सब नसों को चेक कर सकते हैं अपन, मस्कुलर मसल्स को कर सकते हैं, जॉइंट्स को कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को दे सकते हैं और सारे इंटरनल ऑर्गन्स को अपन सोनोग्राफी की सहायता से टू डायमेंशनल इमेज के अंदर ईजीली देख सकते हैं। इट इज़ एम टू ऑफन टू फाइंड द सोर्स ऑफ डिजीज, क्या रोग हुआ है, एंड एक्सक्लूड एनी पैथोलॉजी, कोई भी शरीर में विकृति है। अगर कोई बच्चा है जैसे मान लो किसी लेडीज के पेट में, अपन देखते हैं कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कहीं एक साथ दो बच्चे तो नहीं है, या इसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं है, ये सारी की सारी बातें अपन अल्ट्रासाउंड मशीन से ईजीली चेक कर सकते हैं। या कहीं किडनी में स्टोन तो नहीं है, या हार्ट में जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर है, या हार्ट कहीं एलार्ज तो नहीं हो गया, ये सब बातें अपन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड मतलब हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के माध्यम से देख सकते हैं। अब ये सिंपल अपने पास में एक ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में अपन देखते हैं सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है CPU, और CPU के बाद में यहाँ पर एक ये ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर की सहायता से ये साउंड वेव जो है यहाँ से भेजी जाती है और जो वापस इको होकर लौट के आती है वापस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दी जाती है और यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसका एनालिसिस होता है। अब वो जो सिग्नल दिया जा रहा है वो ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल की सहायता से कितनी फ्रीक्वेंसी का, वो पहले से तय होगा कि 1 MHz से लेके 5 MHz की रेंज है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे जो है किस पे सोनोग्राफी की जाती है, तो रेंज पहले से फिक्स होती है, कितने समय के लिए जाती है, ड्यूरेशन भी से, और स्कैनिंग का मोड क्या होगा, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये अपन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल सर्किट पैनल पर यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होने के कारण फिर जो यहाँ से जाती है उसको एनालिसिस करने के बाद में अपन चाहते हैं कि इसको हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी ड्राइव के अंदर इसको स्टोर करना चाहते हैं तो अपने पास सुविधा है। अपन चाहते हैं डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दें तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट भी प्रिंट होकर साथ में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर जब एनालिसिस करता है तो इसको डिस्प्ले पे देखना भी चाहता है कि ये जो हमारे पास में जो यहाँ अवेलेबल है कोई भी स्टोन है तो उसकी साइज़ कितनी है, तो वो यहाँ से यहाँ सारा डायमेंशन उसकी चेक कर सकता है और यहाँ कर्सर और कीबोर्ड लगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ उसका डायमेंशन को फिक्स कर लेता है, फिर पता लग जाता है कि कितने mm का स्टोन्स वगैरह है। तो ये सारा ब्लॉक डायग्राम कॉपी में बनाना चाहिए और HB की डार्क पेंसिल से बनाना चाहिए। जितना एग्जाम में डायग्राम सुंदर होगा उतने पूरे मार्क्स मिलने की हमको संभावना है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं इन सबको हमको एग्जाम की कॉपी में भी लिखना है। फर्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज ए ट्रांसड्यूसर प्रॉब। ये जो ट्रांसड्यूसर प्रॉब अपने पास में यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रॉब, ये एक पार्ट हो गया अपने पास। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग मेन पार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। देन ट्रांसड्यूसर कंट्रोल, ये सारे यहाँ पे कंट्रोल है जहाँ फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन स्क्रीनिंग मोड कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर अपने पास यहाँ मॉनिटर लगा हुआ है एंड कीबोर्ड एंड कर्सर जो अपने पास में साइज वगैरह फिक्स करने के लिए एंड डिस्क स्टोरेज इसमें हार्ड डिस्क CD फ्लॉपी ये सारी अवेलेबल होती है। एंड लास्ट वन इज ए प्रिंटर इज ऑल्सो कनेक्टेड जो रिपोर्ट सारी प्रिंट होकर आ गई। तो ये सारे पार्ट्स अपन को कॉपी में इनको पॉइंट वाइज सबको लिखना है। अब एक एक पार्ट्स की फंक्शन क्या होता है दैट इज अ वर्किंग ऑफ द ट्रांसड्यूसर प्रॉब। तो पहले अपन देखते हैं ट्रांसड्यूसर प्रॉब जो ये दिखाई दे रही है यहाँ पर ट्रांसड्यूसर प्रॉब इसका क्या फंक्शन है। द प्रॉब दैट सेंड एंड रिसीव द साउंड वेव्स, ये हमारे पास में जो हाई फ्रिक्वेंसी हमने साउंड वेव्स जनरेट की है वो 1 MHz से 5 MHz, ये बार बार इस बात पे इसलिए स्ट्रेस दिया रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर 4 ऑप्शंस बने रहते हैं, वहाँ लिख रहते हैं कि इसकी अल्ट्रासाउंड की वेव है, तो वहाँ किलोहर्ट्ज में भी होगी हर्ट्ज में भी होगी, पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है तो 1 MHz से लेके 5 MHz वाली रेंज है वो परफेक्ट आंसर होगा तो वहाँ अपने काम में आएगी। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग द कंप्यूटर दैट डज ऑल द कैलकुलेशंस, जितनी भी सारे आप देखें सब तरफ से ये कंप्यूटर यहाँ से कनेक्टेड है, प्रिंटर से भी कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क से भी कनेक्टेड है, डिस्प्ले भी कनेक्टेड है, कीबोर्ड से भी कनेक्टेड है, इस ट्रांसड्यूसर से भी कनेक्टेड है, कंट्रोल पैनल से भी कनेक्टेड है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ एक जगह आ जाती है और यहाँ पर क्या होता है सारा कैलकुलेशन होता है और फिर उसका उसके बाद में इस प्रॉब से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ लौट कर इको साउंड उसके बाद में अपन को इसको स्टोरेज कर पाएंगे। द ट्रांसड्यूसर प्रोब कंट्रोल में अपने देखा है कि फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन और स्क्रीनिंग मोड पे यहाँ पर ये काम में आता है। डिस्प्ले अगेन अपने पास में ये डिस्प्ले डिवाइसेज है, यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है। द डिस्प्ले इमेज फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड डाटा प्रोसेस बाय CPU, जो भी CPU से प्राप्त होगा डिस्प्ले देख सकते हैं अपन। और कीबोर्ड एंड कर्सर इनपुट डेटा टेक एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्प्ले, अपने जो डेटा अपन को लेना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड कर्सर की सहायता से अपन सारे फंक्शनिंग कर सकते हैं इसकी। नाउ द स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी होगी, CD होगी, ये सारे स्टोरेज के काम में आ रही है जो इमेज हमारे पास में अवेलेबल है। एंड प्रिंटर आएगी अपने पास में जो रिपोर्ट है अपने पास प्रिंट होकर आनी है, तो बहुत आसान है, सबके बारे में लिखना आसान है, पूरे मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन कहते हैं वर्किंग ऑप्शनों का कैसे काम करता है। तो पहले फर्स्ट लाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अल्ट्रासाउंड मशीन ट्रांसमिट हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, कितनी 1 to 5 MHz, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साउंड वेव पल्स इनटू द बॉडी यूजिंग द प्रॉब की सहायता से 1 से लेके 5 MHz की फ्रीक्वेंसी को अपन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को भेजते हैं। द साउंड वेव ट्रेवल इनटू द बॉडी एंड हिट द बाउंड्री ऑफ टिश्यू, वो क्या होगा साउंड वेव जाके किसी टिश्यू से स्ट्राइक करेगी और वहां पर साउंड वेव जहां टकराई वहां टकराने के बाद में उसकी इको साउंड कितनी देर में आ रही है, साउंड वेव कितनी देर में पहुंच रही है, सारी कैलकुलेशन CPU में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम ऑफ द साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द प्रॉब, कुछ ऐसी साउंड वेव्स होंगी जो कि वहां पर ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा तो पास हो जाएगी और कुछ ऐसी होगी जो टकरा के लौटेगी, बस वही इमेज बनाएगी। व्हाइल द सम ट्रेवल फर्दर अंटिल दे रीच अनदर बाउंड्री ऑफ द गेट रिफ्लेक्टेड, और क्या होगा कि कुछ ऐसी होगी जो पहले टकरा के आएगी, कुछ होगी जो कुछ देर बाद में लौट के आएगी, तो हमें दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा कि जो पहले टकरा के आएगी उसकी इमेज हमको सेलेक्ट करनी है और जो पास हो चुकी है तो वहाँ कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है। द रिफ्लेक्टेड वेव पिकअप बाई द प्रॉब
एंड रिलेटेड टू द मशीन, और जो लौट के आएगी इको साउंड उसको हमने नोट कर लिया है. द मशीन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉब ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन और बाउंड्री इज यूजिंग द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द टिश्यू. ये जो स्पीड है वो साउंड की, वो ट्रेवलिंग स्पीड है, वो दे 5005 फीट पर सेकेंड और 1540 मिली पर सेकेंड. तो ये हम ऐसे स्पीड साउंड की कैलकुलेट कर लेंगे और टाइम ऑफ द इको रिटर्न ऑफ द ये, तो ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी जो कि हमें 2D इमेज बनाने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी. तो ये सारी सारी बातें हमें कॉपी में लिखनी है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें. नाउ द इमेज बनकर आएगी, वो कैसी दिखाई देगी अपने पास. द मशीन डिस्प्ले द डिस्टेंस ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द इको ऑन द स्क्रीन फॉर्मिंग द टू डायमेंशनल इमेज लाइक ए वन शोन बिलो. ये हमारे पास में 2D इमेज बनकर आ जाएगी और 2D जो इमेज है वो इस तरह की इमेज हमारे पास में बन के आएगी. अब इसको अपन ईजिली देख सकते हैं 2D इमेज को, और 2D इमेज को देखने के बाद में अब हमें एक बार डिजीज पकड़ में आ जाए कि हमारे पे जो स्टोन है या कोई गांठ है या क्या है बना हुआ है ये. तो उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है कि और एनालिसिस के लिए 3D इमेज अगर उसको देखनी है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज MRI मशीन पे आपकी MRI करा देंगे, तो फाइनल उससे डिसीजन आ जाएगा. तो ये सारी सारी एक बार प्राइमरी लेवल पे 2D इमेज देखने के लिए सोनोग्राफी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट. बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाती है उस, और एक्सरे मशीन की तुलना में ये हार्मफुल भी नहीं है. तो सोनोग्राफी बहुत अच्छी मशीन है. नेक्स्ट अपन देखते हैं मेजर यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन कहाँ कहाँ में आ रही है. ये गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे बच्चे वगैरह पैदा होते हैं. मेजरिंग द साइज ऑफ, किस साइज का है, उसकी ग्रोथ कितनी है, रेट कितनी है, नंबर ऑफ फ्यूड्स कितने भ्रूण है, मतलब पेट में एक से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, तो वो सारे चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन अपन काम में लेते हैं. द कार्डियोलॉजी भी है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी काम में ले रहे हैं. द सींग द इनसाइड द हार्ट, आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, पता लगता है हार्ट एनलार्ज हो गया है या हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई है, हार्ट कहीं बढ़ गया है, क्या है, ये सारी बातें कार्डियोलॉजिस्ट भी लोग देखते हैं. फिर वो मेजरिंग द ब्लड फ्लो, उसमें ब्लड कितना फ्लो हो रहा है हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर, ये सारी सोनोग्राफी से अल्ट्रासाउंड से अपन मेजर कर सकते हैं. एंड यूरोजूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ये लोग भी किडनी में स्टोन्स वगैरह चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन्स काम में लेते हैं. तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन सभी डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल्स में एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जहां हाई फ्रिक्वेंसी साउंड की सहायता से विदाउट हार्मफुल ऐसी इमेज हमको इजीली मिल जाती है. अब नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड मशीन, द मेन एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज दैट सर्टेन स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व विदाउट यूजिंग रेडिएशन. जबकि एक्सरेज में रेडिएशन होगा, मैग्नेटिक इमेज MRI में भी रेडिएशंस वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड भेजी जा रही है तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड में कोई रेडिएशंस नहीं है. तो ये बड़ा एडवांटेज है आप पेशेंट के लिए, बड़ी रिलीफ की बात है कि कहीं अलग से एक्स्ट्रा कोई नुकसान नहीं हो रहा है और उसकी डिजीज़ का भी पता लग रहा है. अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो डन मच फास्टर देन एक्सरे, इतना जल्दी रिजल्ट है एक्सरे के अंदर तो टाइम लगता है रिपोर्ट आने में, ये तुरंत हमको रिपोर्ट मिल जाते हैं रेडियोग्राफी टेक्निक से, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये हमारे एग्ज़ाम्स में रहेगी और इस बार एग्ज़ाम में हमें बहुत सुंदर डायग्राम के साथ ये सब बनाएंगे तो आएंगे. और इसके बाद में हम CT स्कैन, MRI, लेपोस्कोप सर्जरी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में मिल सके. थैंक यू.